हमेशा की तरह 24 घंटे के अंदर अंदर जो जघन्य हत्याकांड हुआ था कल जो डेड बॉडी मिली थी उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर खुलासा किया है, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये घटना इस तरह से है कि कल सुबह 12 तारीख को सूचना मिली थी कि अज्ञात डेड बॉडी पड़ी हुई है पुलिया के नीचे मैन देवास भोपाल हाईवे पर। जाकर तस्दीक करने पर पता चला कि पिछले 2 दिन से जो पटवारी गायब था, जो गुमशुदा था, ये उसकी डेड बॉडी है। सोनकच्छ में पदस्थ नीरज पिता कमल सिंह परते, उम्र 33 वर्ष, ये 10 तारीख से गुम था और इसकी डेड बॉडी कल सुबह हमको मिली थी। घटनास्थल पर जाके देखा तो पता चला था कि इसका गला रेत कर हत्या कर दी गई है। हमारी साइबर की टीम ने और थाना बीएनपी की टीम ने इसमें लगातार मेहनत की, सूचना एकत्रित की और कल ही 24 घंटे के अंदर अंदर हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अनिल कुमार सरयाम है, जिसको भोपाल से हम लोगों ने कल शाम को अरेस्ट किया है। पूरा घटनाक्रम इस तरह से है कि मृतक की अभी 2 हफ्ते पहले शादी हुई थी। शादी के बाद से ही उसके घर पर एक व्यक्ति आके उसके घर के आसपास चक्कर लगाने लगा था। उसका नाम था, जो आरोपी है, अनिल कुमार सरयाम। उसकी दोस्ती की मृतक से, उसने दोस्ती करके ढाबे पर खाना खाने लेकर गया। खाना खाने के बहाने उसको शराब पिलाई और शराब पिला के मोटरसाइकिल पर अपने साथ बैठा के सुनसान स्थान पर लेकर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी थी। हत्या के पीछे कारण वजह ये सामने आ रही है अभी तक कि ये जो आरोपी है अनिल कुमार सरयाम, ये मृतक की पत्नी का परिचित था, उससे लगातार फोन पर बात करता रहता था और उससे मिलने जाता रहता था। तो इसमें उन दोनों ने मिलके और फिर मृतक नीरज की हत्या की है। जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है, बाकी और सबूत इसमें जुटाए जा रहे हैं। इसमें पत्नी को भी आरोपी बनाया, पत्नी के साथ इसकी चैट और ये अभी चेक की जा रही है। अभी तक जो केवल मुख्य आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है, जो भी सबूत आएंगे उसके आधार पर उसको आरोपी बनाया जाएगा। कैसे पकड़ा गया? ये पुलिस को गुमराह कर रहा था इसका। पहले तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे में पता चला था कि ये 2 लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे हैं। उसके बाद में भोरासा टोल पर केवल 1 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जाता हुआ दिखाई दिया। जब इसे पूछा गया तो इसका कहना था कि मृतक मेरे साथ से किसी और के साथ चला गया था। उसका कहना था कि मुझे किसी और के साथ घर जाना है, तो मैंने उसको उतार दिया था। किसी और लोगों ने हो सकता है इसकी हत्या की हो। एक पूरे दिन तक ये आके उसको खोजने में मदद भी करता रहा कि साहब हम लोग मिलकर खोजते हैं इसको कि कहाँ पर ये। उसके बाद जैसे उसको शक हुआ कि मेरे ऊपर सुई जा सकती है, शंका की, तो वो यहाँ से भाग गया, भोपाल भागा हुआ था। तो कल उसको वहाँ से गिरफ्तार किया। सर, ये जो आरोपी है, ये जो मृतक की पत्नी थी, क्या उनके ही क्षेत्र का वहीं का रहने वाला? वहीं का रहने वाला। सर, ये काम क्या था? ये अब्दुल्लागंज रायसेन की रहने वाली थी पत्नी, जिसकी शादी सोनकच्छ से वहाँ हुई थी, वहीं के ये दोनों थे। ये अपने आप को, ये पत्नी और ये अपने आप को मौसेरे भाई भी बताते हैं, चचेरे मौसेरे भाई भी, भाई बहन भी बताते हैं एक दूसरे को। अभी वेरीफाई करना बाकी है कि एक्चुअली इनके कोई रिलेशनशिप था या फिर केवल यही था। महिला का कहना था कि मेरा मौसी का बेटा है, एक दिन एक घर पे भी गया था, रुका भी था इनके। अभी तक की पूछताछ में ऐसा कुछ निकल कर सामने आया है क्या सर, की पत्नी ने उसे कहा हो कि इसे रास्ते से हटाना? इसमें दोनों मृतक की पत्नी और मुख्य आरोपी के मोबाइल फोन हमने जब्त किए हैं, उसमें घटना दिन से 2-3 दिन पुरानी, 3 दिन से लेके अब तक की सारी चैट उन्होंने डिलीट की है। उनकी कॉल डिटेल्स में और अन्य रिकॉर्ड्स में मैसेजेस और चैट होना पाया गया है। हम उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बात की थी। यदि इन दोनों की मिली भगत पाई जाती है तो उसको भी आरोपी बनाया जाएगा,
और भी कोई सबूत मिलता है तो पत्नी को भी आरोपी बना के गिरफ्तार। सर जो हत्या है वो गला रेत के ही की गई है। गला काट सर तरीका है वारदात का बताया आरोपी ने किस तरह से ले जाके कैसे गया था? ये अपनी मोटरसाइकिल पर इसको शराब पिलाने के बाद लेकर गया था। रास्ते में एक जगह पुलिया आती है, पुलिया पर गाड़ी रोकी, उसने रोक के उसको बैठाया, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और बैठ के बातें करते करते उसने अपने यहाँ से चाकू निकाला। अकेले था? अकेले। कृषि भी है और मजदूरी? ये बेसिकली कृषि यंत्रों की खरीद, इसने ये बताया था आके कि मैं इंदौर से अपने ट्रैक्टर के लिए और अपने दुकान के लिए कृषि यंत्र लेके जा रहा हूँ, कृषि उपकरण खरीदने के हिसाब से ये आया था या ऐसा बता रहा था। मुख्य कारण क्या? अवैध संबंध। सर क्या नीरज को? सर आपने एक बात बोली कि एक एक नीरज को कुछ ऐसा संकाय बिल्कुल आशंका नहीं थी, यदि उसको आशंका होती तो क्यों रहता उसके साथ? सर आपने फोटो है किसी दोस्त को भेजा था, किसी पटवारी को, साथी को भेजा था उसने, और मैसेज लिख कर भेजा था कि मैं ठीक हूं या नहीं। अब इस पर ये संभावना है कि आरोपी ने उसका मोबाइल लेकर और एक मैसेज भेजा था कि मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो आरोपी की मोस्ट कॉमन मोडस ऑपरेंडी है कि वो उसके मृतक के मोबाइल से एक मैसेज भेज दे ताकि लोग गुमराह होते रहे। मैंने जैसे बताया दूसरे दिन आके उसको खोजने में मदद कर रहा था कि अरे कहाँ गया है, हम लोग देखते हैं, मेरे साथ था यहाँ पर शाम को लेकिन रास्ते में और कौन मिल गया इसके साथ, वो चला गया। ये तो मोस्ट कॉमन, मृतक के मोबाइल को वो मारने के बाद लेकर गया, रास्ते में फेंक के गया। सर ये आपने बोला ये उसके घर के आसपास घूमता रहा और दोस्ती कर ली, एक तो ये बात हो, दूसरा ये आपने ये भी बोला कि वो उसके घर में रुका भी था। हाँ। तो वास्तविकता के अंदर कैसे घुसा घर के अंदर भी? नहीं, नहीं, महिला जो उसके रिश्ते में लड़की है, लड़की है उसने बताया कि ये मेरा चचेरा भाई है। तो फिर सीधे अंदर आया होगा सर, मौसेरा भाई, बात सुनिए, मौसेरा भाई है, तो एक दिन वो घर पे रुकने में भी सफल रहा इस रिलेशनशिप के, लेकिन वो तो इस प्रयास में था कि इससे दोस्ती हो जाए, बातचीत हो जाए, परिचय हो जाए, घर में एंटर कर जाऊं या फिर इस व्यक्ति की, तो प्री प्लान था कि इसकी हत्या करनी। और कोई सवाल? सर इसमें कई बार ये भी होता है, एक सामाजिक दायित्व भी होता है, एक पटवारी ने अपनी जान खोई है और इसमें आप क्या मतलब कहना चाहेंगे कि जब शादी ब्याह होते हैं तो ये चीजें सब देख लेनी चाहिए, क्या होना चाहिए, हत्या का मामला है? देखिए पुलिस क्राइम और क्रिमिनल एंगल्स पे इन्वेस्टिगेट करती है, हमने उसमें बहुत ही तत्परता से और बहुत ही प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया और रिकॉर्ड 24 घंटे के समय में आरोपी को वहां से गिरफ्तार किया। इसमें अब ये जिम्मेदारी बनती है हमारी कि इसको, आरोपी को, और यदि और आरोपी इसमें हैं तो उन सबको निश्चित समय सीमा पर न्यायालय में पेश करके इनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जाए। एक बार सजा मिलती है तो अन्य लोगों में डिटरेंट इफेक्ट इस चीज़ का आता है कि सब इस तरह की यदि कोई घटनाएं करेगा समाज में तो उसको ना तो कानून के हाथ से बच पाएगा और ना ही वो दोष मुक्त हो पाएगा। तो ये दोनों चीज़ों की हम इसको, इस पूरे अपराध को चिन्हित और सनसनीखेज मामलों में डाल के और इसमें तत्काल सजा कराने की कोशिश करेंगे। सर पुलिस आरोपी का कैसे पहुंची, मतलब कैसे का पुलिस को कैसे? जैसा मैंने बताया कि प्रिलिमिनरी क्लू तो हमें सीसीटीवी कैमरे से मिले थे, लेकिन उसके बाद जैसे इनकी कॉल डिटेल्स और ये सब चीज़ें एनालाइज की तो समझ में आया कि कौन आरोपी हो सकता है। हालांकि इसने प्रथम दृष्टया बरगलाने की कोशिश की, इसने बोला था कि साहब मैंने नहीं मारा है, एक और किस कार्तिक नाम का एक व्यक्ति है उसके साथ दो लोग और थे उन्होंने मारा है, ये किया, लेकिन बाद में वो सही लाइंस पर आ गया। सर गुमशुदगी की जब उसकी तलाश की जा रही थी तब भी इससे पूछताछ हुई थी? मैं तो भी हाँ थोड़ी सी। सर इसकी पत्नी को पता चल गया था क्या पहले दिन? क्या चीज कि ये मेरे पति गुमशुदगी नहीं हुई, इसके मर्डर हो चुका है? नहीं, पत्नी और उसके घर वाले सभी लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे, सब लोग इस गम में थे कि जैसा कि बताया गया है उनके द्वारा कि भाई आदमी परसों रात से, मतलब एक दिन पहले रात से गायब था, सब जगह अपने रिश्तेदारियों में तलाश करते हैं जैसा कि हम सब लोग, उन्होंने तलाश करने की कोशिश की, जब नहीं मिला उसके बाद थाने पर आके गुमशुदगी दर्ज कराई और उसके बाद में पुलिस को ही ऐसा वो शो कर रही है, ऐसा वो प्रेडिक्ट कर रही है कि वो अनजान थी। अब इस चीज की उसके चैट रिकॉर्ड्स के आधार पर इस चीज, एक मिनट, उसकी चैट जो डिलीट की गई है उसको हम उससे पता चलेगा चैट से कि क्यों उन्होंने डिलीट की थी। यदि डिलीट रिट्रीव होने के बाद उसमें आया कि वो दोनों आपस में बातचीत करके प्लानिंग कर रहे थे, यदि कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी तो 120 में उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। सर
सर आरोपी आ जाए तो एक फोटो विजुअल हो जाए छोटा सा। हाँ अभी गाइडलाइंस ये है कि एक चाकू इसने फेंका है उसको रिकवर करने के लिए टीम हमारी गई हुई है, उसको ढूंढ रहे हैं। इसका कहना था कि 500 मीटर या एक किलोमीटर की डिस्टेंस में कहीं जाते वक्त इसने मोटरसाइकिल से चाकू फेंका। केवल एक चाकू था जो घर से लिया। अभी नहीं मिला। मृतक का मोबाइल भी उसने वहीं फेंका है, लेकिन मृतक का मोबाइल इसने चालू फेंक दिया था तो सुबह 5 बजे तक उसकी लोकेशन आती रही, जिसके आधार पर हम लोगों को इस केस में मदद मिली। इधर से बोरा से एक तरफ जाते हो, फिर वो टोल पे डिटेक्ट भी हो गया। इस चीज की पूछताछ हम कर रहे हैं कि शराब कब से पिला रहा था। मेरे ख्याल से जब से सुबह से घर से लेके निकला होगा ये, तब से ये लोग दोनों मिलजुल के पार्टी कर रहे थे। हाँ मतलब जब भी चले होंगे तो जनरली जब दोस्ती हो गई थी इनकी और बाहर पार्टी करने के हिसाब से गए थे। इस चीज की भी हम लोग पूछताछ करेंगे कि कहाँ कहाँ पे शराब। यस नीचे पड़ी मिली थी बॉडी पुलिया के नीचे, और पुलिया के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है वहां पर बैठ के उन्होंने बातचीत की कुछ देर तक, उसके बाद मिल रही। बैठिए बैठिए नाश्ता।